Hi, this is Rupi Trivedi from NCMS Chabua. Again here with a new video related to Chapter 1, Introduction to Accountancy. So students, this is our second video. In the first video, we already discussed the meaning of accounting, characteristics, objectives of accounting, and branches of accounting. And now we are going to start with advantages of accounting. Okay, so let's start. Advantages of accounting. Advantages of accounting. First advantage is provide information about financial performance. Okay, so accounting provides factual information about financial performance during a given period of time, like profit earned or loss incurred over a period, and financial position at a particular point of time. Means किसी भी business की financial position को find out करने के लिए या किसी भी business के financial performance को find out करने के लिए accounting बहुत ही helpful होती है. Okay, means अगर accounting नहीं होगी, means without accounting हम ये पता नहीं लगा सकते, हम ये find out नहीं कर सकते कि किसी business की financial position क्या है, या किसी particular year में किसी business ने किस तरीके का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है. ओके, क्योंकि अकाउंटिंग की हेल्प से हमें यह पता चलता है कि किसी बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है, और प्रॉफिट अर्न किया है तो कितना प्रॉफिट अर्न किया है, और अगर लॉस अर्न किया है तो कितना लॉस अर्न किया है, ताकि वो उससे रिकवर कर सके. ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट एडवांटेज. सेकेंड इज प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. ओके, accounting helps management in business planning, decision making, and in exercising control. For this, it provides financial information in the form of report. Okay, means ये जो accounting है, एक तरीके से management को assist करने में भी बहुत helpful होती है. अब accounting management को किस तरीके से assist करेगी? तो management को business में अपने बिजनेस प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ को वॉच करना होता है, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है. तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उस अकाउंटिंग से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन एक तरीके से रिपोर्ट के फॉर्म में होती है, और ये जो रिपोर्ट है यही एक तरीके से मैनेजमेंट को असिस्ट करती है. ओके, थर्ड एडवांटेजेस facilitates comparative study. Comparative study. Okay, by keeping systematic records and preparation of reports at regular intervals, accounting helps in making a comparison. Means के जो accounting है वो हमें compare करने में भी help करती है, means comparison में भी हमारे लिए बहुत helpful होती है. तो यहाँ पर जो comparison होता है वो comparison two types से होता है. फर्स्ट इंटर फर्म कंपैरिजन एंड सेकंड इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन. सो व्हाट इज इंटर फर्म कंपैरिजन? तो मेरे बिजनेस में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, और आपके बिजनेस में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन. मींस जब एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन. एंड सेकंड इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन. सो व्हाट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन? तो मैंने इस ईयर अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया, और लास्ट ईयर मैंने अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया था, इट इज़ कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन. मीन्स जब मैं अपने ही बिजनेस से किसी भी टू पर्टिकुलर ईयर को बेस लेकर जब मैं कंपैरिजन करूँगी, तो इस तरीके का जो भी कंपैरिजन होगा उसे क्या कहा जाएगा? इंट्रा फर्म कंपैरिजन. तो यहाँ पर जो इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन करने में अकाउंटिंग एक तरीके से हमें हेल्प करता है. ओके, फोर्थ एडवांटेज हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. ओके, तो जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें टैक्स भी पे करना होता है,
जैसे पहले इनकम टैक्स से, सेल्स टैक्स से, आजकल जीएसटी होता है, तो ये टैक्स हमें पे करना होता है, इसलिए ये टैक्स पे करना एक तरीके से बिजनेस की लायबिलिटी होती है. ओके, सो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस टैक्स लायबिलिटीज सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा. तो पहले बहुत सारे टैक्स चलते थे, लेकिन आजकल सारे टैक्स हटा दिए गए हैं और एक ही टैक्स चलता है. कौन सा टैक्स है वो? जीएसटी. जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो टैक्स पे करना हमारी लायबिलिटी होती है. तो अगर हमने अकाउंटिंग की है, मीन्स अगर हमने अकाउंटिंग की हेल्प से सिस्टमेटिकली एंड प्रॉपरली वे में अगर हमने हमारे अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है. ओके, हमारा हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें कितनी इनकम हुई है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स बनता है वो कितना बनता है, और हम इजीली जाकर उसे टैक्स अथॉरिटी को पे कर सकते हैं. लेकिन इसके अपोजिट, अगर आपने आपके जो अकाउंट है वो प्रॉपरली ठीक तरीके से सिस्टमेटिकली अगर आपने नहीं मेंटेन किए, तो हो सकता है कि जो जो टैक्सेशन की अथॉरिटी जिनके पास होती है, ओके, टैक्स की अथॉरिटी से रिलेटेड जो पर्सन हो सकते हैं, वो हो सकता है कि अगर आपके अकाउंट से अगर सेटिस्फाई ना हो, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आपका कितना प्रॉफिट है, क्या है, आपके जो अकाउंट है वो सिस्टमेटिकली प्रिपेयर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने मनमाने ढंग से आपसे टैक्स रिसीव कर सकते हैं. मीन्स हो सकता है कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है. इसलिए अकाउंटिंग एक तरीके से हमें टैक्स के कैलकुलेशन में भी हेल्प करती है. नेक्स्ट, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन. ओके, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रांट अ लोन टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल ऑफ द फाइनेंशियल. अप्रेजल मीन्स असेसमेंट, एस्टिमेट. ओके, असेसमेंट, अप्रेजल मीन्स असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म. ओके, तो एक तरीके से जो अकाउंटिंग है वो हमें लोन प्रोवाइड करवाने में भी बहुत हेल्पफुल होती है. अब अकाउंटिंग हमें लोन किस तरीके से प्रोवाइड करवाएगी? तो जब कभी भी हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है, लोन की नीड होती है, तो हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली बैंक के पास जाएंगे. ओके, तो जब हम बैंक से कहेंगे कि हमें लोन चाहिए, हमारी लोन की रिक्वायरमेंट है, हमें लोन की नीड है, तो बैंक हमसे सबसे पहले ये पूछेगी कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि आपका प्रॉफिट क्या है. ओके, आपका प्रॉफिट क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है. तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और हमारा जो प्रॉफिट है वो शो करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. तो अकाउंटिंग की हेल्प से ही हम सारे जो हमारी जो प्रॉफिट है वो सारे प्रॉफिट हम शो कर सकते हैं. हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये हम बैंक को शो कर सकते हैं. और जब बैंक हमारे जो भी अकाउंटिंग है, हमारे जो भी सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स है, वो सारे रिकॉर्ड से, सारे अकाउंटिंग से, सारे प्रॉफिट से जब अब सेटिस्फाई हो जाती है, तब जाकर वो हमें क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है. तो एक तरीके से अकाउंटिंग हमें लोन लेने में भी बहुत हेल्प करती है. ओके, नाउ सिक्स पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. ओके, सो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन. ओके, मीन्स अकाउंटिंग एक तरीके से मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है. अब ये जो डिसीजन है ये प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं और आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकते हैं. ओके, तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग से जो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जब मैनेजमेंट रिसीव करता है, तब वो उसे एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद ही वो किसी डिसीजन को ले पाते हैं. तो एक तरीके से अकाउंटिंग हमें डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करती है. ओके, सो दीज आर अवर एडवांटेजेस. नेक्स्ट पॉइंट, अदर एडवांटेजेस. मीन्स अभी जो आपने एडवांटेजेस पढ़े उनके अलावा भी कुछ और एडवांटेजेस है. वो एडवांटेजेस क्या है? तो फर्स्ट है रिप्लेसेस मेमोरी. ओके, रिप्लेसेस मेमोरी. तो मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं हम अकाउंटिंग की हेल्प से. कैसे? तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, हम अकाउंटिंग की प्रोसेस में, अकाउंटिंग की स्टेप्स में क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मॉनेटरी टर्म में उसे मेजर करते हैं, और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो हमारी जो मेमोरी होती है वो इतनी शार्प नहीं होती है कि हम इतने सारे ट्रांजेक्शन, मतलब ईयर के स्टार्टिंग से लेके ईयर के एंड तक के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उन सबको हम मेमोराइज कर सके, मेमोरी में रख सके, याद रख सके. इसलिए हम क्या कर देते हैं? जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन होता है हम उनको रिकॉर्ड कर देते हैं. ओके, तो रिकॉर्ड कर देने से हमें उन्हें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है.
तो ये आपका जो एक एडवांटेजेस है सेवन्थ वो ये है कि एक तरीके से अकाउंटिंग हमें मेमोरी को भी रिप्लेस करता है, मीन्स अगर हमने रिकॉर्ड कर दिया है तो हमें उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी आपका एक एडवांटेज था। एंड लास्ट एडवांटेज, एविडेंस इन कोर्ट। कभी कभी आपने देखा होगा कि बिजनेस में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ओके, तो ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये कभी कभी कोर्ट तक भी चले जाते हैं, मीन्स किसी से आपको पैसा लेना था या सामने वाले को आपसे पैसा लेना था, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें कभी कभी फेस करनी पड़ती है, एक तरीके से ये नेगेटिव चीज़ें जो हमें कभी कभी घेर लेती है, तो उस कंडीशन में आपको अगर कोर्ट तक अगर आपका केस चला जाता है तो इस कंडीशन में आपको वहाँ पर प्रूफ देना होता है कि आप सही हो, सामने वाला गलत है, तो आप अपने आप को करेक्ट प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, आपको कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि आप सही हो, आप जो बोल रहे हो वो सही हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके जो अकाउंट है वो अकाउंट आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपरली आप मेंटेन करो। क्यों मेंटेन करो? क्योंकि ये जो अकाउंट है यही एक तरीके से आप एज ए प्रूफ कोर्ट में यूज़ कर सकते हो, तो जब कभी भी कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं तो हमें एज ए प्रूफ कुछ शो करना पड़ता है, तो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं हम उन्हें एज ए प्रूफ शो कर सकते हैं, कोर्ट इन्हें एज ए प्रूफ ट्रीट करता है, ओके? इसलिए हमें अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, सिस्टमेटिकली प्रॉपरली और हर किसी को इजीली समझ में आ जाए इस तरीके से, ओके? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है, ओके? तो देखते हैं हम व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। सेकेंड, अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यूज ऑफ अ सेट। थर्ड, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ओके, तो डिटेल में हम समझते हैं कि इनका क्या मीनिंग होता है, ओके? तो फर्स्ट है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो अकाउंटिंग इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट। मीन्स अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमें कभी कभी एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं। एस्टिमेट बनाना मतलब क्या हो गया? मीन्स हम अंदाज़ा लगाते हैं, ओके? तो ये जो एस्टिमेट हम बनाते हैं, ये एस्टिमेट अगर सही निकलते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर बाई चांस ये एस्टिमेट अगर गलत हो जाते हैं तो हमें कभी कभी लॉस भी होता है, हमें लॉस भी उठाना पड़ता है। तो हमारे ये जो एस्टिमेट है ये सही होंगे या गलत होंगे ये पहले से डिसाइडेड नहीं रहता है। हम नहीं बोल सकते कि हमारे ये एस्टिमेट जो है वो सही निकलेंगे या गलत निकलेंगे, तो उस वजह से ये कहा जाता है कि ये जो अकाउंटिंग है ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, ओके? सेकेंड, अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यूज ऑफ असेट। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स असेट्स एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू, ओके? तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी असेट को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ओके? अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गई? सपोज कि आप कोई असेट आज परचेस कर रहे हो, तो आज आप असेट को परचेस कर रहे हो तो रिकॉर्ड भी कब करोगे? आज ही करोगे। और किस अमाउंट से आप रिकॉर्ड करोगे? जो अमाउंट आज आपने उस असेट को परचेस करते टाइम पे किया था, तो आपने इसका रिकॉर्ड, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, ओके? तो ये जो आज के टाइम पे आपने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है और जिस वैल्यू से आपने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्डिंग का जो अमाउंट है वो उस असेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि जब आप कोई असेट परचेस कर लेते हो तो उस असेट को जब आप बार बार यूज़ करते हो तो यूज़ करने से उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होती जाती है, और उसकी जो कैपेसिटी डिक्रीज होती है उसे हम किस चीज़ से शो करते हैं, ओके? उसे हम शो करते हैं एज अ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन वो अमाउंट है जो ये शो करता है कि उस असेट की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ओके? तो ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मार्केटिंग वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। मीन्स अगर मार्केट में उसकी कोई और वैल्यू है तो उस वैल्यू का इफेक्ट कभी भी अकाउंटिंग में उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर नहीं पड़ता है, ओके? थर्ड पॉइंट, इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, सो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी आर इग्नोर्ड। मीन्स अकाउंटिंग में जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे किसी असेट को रिकॉर्ड किया जाता है,
ओके और हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट मीन्स जब आपने परचेस करते टाइम उस असेट की जो वैल्यू पे की थी वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाती है। तो अब सपोज के आज आपने वो असेट परचेस की है और उस असेट की वैल्यू कितनी है 1 लाख। ओके अब आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद उस असेट की जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो कितनी हो जाती है 1,20,000। ओके मीन्स इंक्रीज हो गई। तो अब मार्केट में उसकी वैल्यू 1,20,000 है तो आप वो 20,000 जो इंक्रीज हो गई है वैल्यू 120 हो गई है उस 120 को आप इस असेट की जो आपने पहले वैल्यू जो रिकॉर्ड की थी मीन्स जो असेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसको इससे कंपेयर नहीं करोगे और ना ही आप क्या करोगे कि वहाँ पर 120 हो गई है तो आप आपकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसको मिटा कर उसको 120 नहीं कर दोगे। मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट आपने जो एक बार रिकॉर्ड कर दी असेट की जो प्राइस उसकी प्राइस सालों साल तक ईयर बाय ईयर आफ्टर ईयर वो जो प्राइस है वो वही रहेगी, उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। वैसे अगर मार्केट में उस 1 लाख की असेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है 80,000 हो जाती है तो क्या हो गया 20,000 से आपको लॉस हो रहा है अगर आप उसको सेल करने जाते हो तो अब वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर आपके अकाउंट में आपने जहाँ पर वो उस असेट को रिकॉर्ड किया है आपने आप वहाँ पर उस 1 लाख को 80 कर दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो आपने जो एक बार रिकॉर्ड कर दी उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं किया जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक तरीके से प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस आते हैं उसको इग्नोर करती है। ठीक है, मीन्स उस असेट की मार्केट में वैल्यू भले इंक्रीज हो जाए 120 हो जाए या 80 हो जाए डिक्रीज होके, तो वहाँ पर अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो आप आकर अपने अकाउंट में उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये अकाउंटिंग का रूल है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है उस पर प्राइस लेवल चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। मीन्स क्या हो गया, तो इसको हम समझते हैं मेरा बिजनेस है। ओके, तो हमारे बिजनेस में हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ को परचेस करके सेल कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का बिजनेस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गुड्स। ओके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, गुड्स। तो अगर आपका गुड्स अच्छा है तो आपका बिजनेस भी अच्छा होगा और अगर आपका गुड्स अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस भी अच्छा नहीं होगा। मीन्स गुड्स का इफेक्ट एक तरीके से आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है उसका। ओके, तो गुड्स का इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है। अब यहाँ पर अगर गुड्स को मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैं उसे रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ। कैसे, मीन्स मैंने 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया, उसमें से 2,000 रुपीज़ का गुड्स ऐसा था जो कि डिफेक्टिव था, ओके ख़राब था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर मैंने जो गुड्स परचेस किया है उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा, साथ ही साथ जो गुड्स अच्छा नहीं था डिफेक्टिव था जो मैंने रिटर्न कर दिया है उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुड्स को हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं और उसे मॉनेटरी फॉर्म में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए मेरे स्टाफ की, ओके अगर हम बात करें मेरे स्टाफ की, तो मेरे स्टाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो उनके अच्छे तरीके से काम करने की वजह से मेरा बिजनेस भी अच्छा होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लापरवाही से काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो उसका इफेक्ट भी मेरे बिजनेस पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी की ऑनेस्टी को ट्रस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कभी आपने सुना कि ऑनेस्टी 10,000 रुपीज़ की, ट्रस्ट 5,000 रुपीज़, नहीं ना। तो हम ये ऑनेस्टी है, ये ट्रस्ट है, ये जो क्वालिटी है, हम क्वालिटी को कभी भी मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते और इस वजह से हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए अकाउंटिंग में जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है, उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओके, लास्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजिशन ऑफ द बिजनेस देन द एक्चुअल पोजिशन। ओके, विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग अगर हम लगाए किसी चीज़ से तो एक तरीके से जो मैनिपुलेशन होता है, ओके, जो डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, जो मैनिपुलेशन है उसे एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग आप बोल सकते हो। मीन्स डाटा में हेर फेर करना, अपने प्रॉफिट को बड़ा चढ़ा कर बताना, इट इज़ कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ओके, तो जो विंडो ड्रेसिंग होती है वो भी एक तरीके से अकाउंटिंग की लिमिटेशन है।
इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे अभी हमने करंट एग्जांपल लिया था बैंक का, आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है आप बैंक के पास जाओगे, ओके, और बैंक आपके अकाउंट से जब सेटिस्फाई हो जाएगी तभी वो आपको लोन प्रोवाइड करेगी, ओके। तो यहाँ पर अगर किसी बिजनेस को ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी कंडीशन में उसे अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा बताना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा बताने के लिए वो क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करेंगे, अकाउंट में कुछ हेरफेर करेंगे, ओके, जिस वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट शो कर सके। तो ये जो ज़्यादा प्रॉफिट शो करना, अपने डाटा को मैनिपुलेट करना ही विंडो ड्रेसिंग होती है, ये भी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। आफ्टर लिमिटेशन हम देखेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये जो तीनों टर्म है इनका मीनिंग क्या होता है, तो फर्स्ट बुक कीपिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जैसे नाम से क्लियर है, बुक रखना मीन्स अगर आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो तो वो रिकॉर्ड आप कहाँ पे करोगे, बुक में रखो, बुक में करोगे। तो ये जो बुक रखना है क्या कहलाती है, बुक कीपिंग। और डिटेल में देखते हैं, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मीन्स ये जो बुक कीपिंग एक तरीके से अकाउंटिंग का ही पार्ट है, जिसमें ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटरी टर्म में मेजर करना, फिर उसे उसे रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसे क्लासिफाई करना, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किसके अंदर आ जाती है, ये बुक कीपिंग के अंडर ये सारी प्रोसेस आती है। मीन्स ट्रांजेक्शन से लेकर क्लासिफाइंग तक का जो भी स्टेप्स होती है वो सारी की सारी आपकी बुक कीपिंग में आ जाती है, ओके। नेक्स्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअली इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, इट इंक्लूड्स समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग, आपको पता है कि अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो वाइडर होता है, ओके। तो अकाउंटिंग एक तरीके से बहुत वाइडर इसलिए होती है क्योंकि जो बुक कीपिंग का जो वर्क होता है वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो बुक कीपिंग का जहाँ पर वर्क फिनिश हो जाता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुक कीपिंग के बाद की जो प्रोसेस है वो ही अकाउंटिंग में आती है, नहीं, जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। तो बुक कीपिंग में जो आइडेंटिफाई से लेकर जो क्लासिफाइंग तक की स्टेप्स थी वो तो अकाउंटिंग में आती ही है, इसके साथ जो और भी स्टेप्स आती है वो कौन कौन सी हो जाएगी, समराइज करना, ओके, इंटरप्रेटिंग करना, एनालाइज करना, और जो भी डाटा है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी उससे रिलेटेड जो डाटा है वो अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करना, ओके। तो ये सारी स्टेप जो है आपकी आइडेंटिफाई से लेकर कम्युनिकेट करने तक की जो भी स्टेप्स है वो सारी आपकी अकाउंटिंग में आती है, ओके। कम टू द नेक्स्ट, अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या होती है, तो अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग, ओके। मीन्स अकाउंटिंग में जो आप अकाउंट मेंटेन करते हो उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी कुछ टेक्निक्स होती है। तो ये टेक्निक्स और प्रिंसिपल को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, इसका जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है वो अकाउंटेंसी में होता है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बुक कीपिंग मीन्स बुक रखना, किस तरीके से आप रखोगे, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटिंग मीन्स अकाउंट किस तरीके से आप रखोगे, मेंटेन करोगे, अकाउंटेंसी मीन्स ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किस तरीके से किए जाए, इसका जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है वो है अकाउंटेंसी, ओके। लास्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है तो वो हम देखते हैं, ओके। तो बेसिस फर्स्ट हो जाएगा स्कोप। तो बुक कीपिंग अगर बात करें तो क्या हो जाएगा स्कोप, बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन द लेजर अकाउंट। तो बुक कीपिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटरी टर्म में मेजर किया जाता है, फिर उसे सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद उनको उनकी समरी बनाई जाती है, ओके। समरी मीन्स उन्हें अलग अलग ग्रुप में फिट किया जाता है, अलग अलग बॉक्स जो मैंने आपको बताए थे, छोटे छोटे जो अकाउंट बनते हैं लेजर में, उन अकाउंट में जो एक ही ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को एक ग्रुप में सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस बुक कीपिंग के अंडर आती है। अब अकाउंटिंग, इन एडिशन टू बुक कीपिंग, अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर उसे मॉनिटरी टर्म में मेजर करना, ओके, फिर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद एक ही ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को सेपरेट सेपरेट करना, उनकी समरी बनाना,
और उन्हें एनालाइज करना और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करना, यहाँ तक कि जो प्रोसेस होती है वो बुककीपिंग में आती है, सॉरी अकाउंटिंग में आती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अब बुककीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, तो द मेन एम इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो बुककीपिंग का जो एम है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, एक तरीके से सिस्टमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनकी सिस्टमेटिकली एंट्री करना, ओके तो ये बुककीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो द मेन एम इज़ टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, मीन्स किसी बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, ये फाइंड आउट करना एक तरीके से अकाउंटिंग का मेन एम होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट, स्टेज। तो बुक कीपिंग में स्टेज की अगर बात की जाए तो इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ये प्राइमरी स्टेज क्यों है, क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन को, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें सबसे पहले बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तो एक तरीके से ये आपकी प्राइमरी स्टेज है, ओके। सेकेंड, अकाउंटिंग की अगर बात करें, इट इज़ अ सेकेंड स्टेज एंड बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड। तो जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि बुकिंग कीपिंग का जो काम है वो जब कंप्लीट हो जाता है, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तब जाकर अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ये एक तरीके से सेकेंडरी स्टेज है। फिर नेचर ऑफ जॉब, तो दिस जॉब इन रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर। जो बुककीपिंग का वर्क है वो एक तरीके से रूटीन वर्क है, डेली किया जाता है, डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, डेली उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो एक तरीके से ये आपका डेली जॉब है, रिपीटेटिव इन नेचर है, बार बार करना, ओके। और अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो गए हैं, ओके, दिस जॉब इज एनालिटिकल इन नेचर। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए हैं उनको समराइजिंग करने के बाद उनको एनालाइज किया जाता है, फिर उसे इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर उसके जो डाटाज होते हैं, मीन्स जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उन्हें एनालाइज करने के बाद यूजर्स को एक तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, और जो मैनेजमेंट है वो भी एनालाइज करने के बाद बहुत सारे डिसीजन लेती है। तो इसलिए ये जो जॉब है, ये कौन सा जॉब है, एनालिटिकल है, ओके, एनालाइज किया जाता है इसमें, ओके। सेकेंड लास्ट, परफॉर्मेंस। तो बुक कीपिंग की अगर बात की जाए तो इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, ओके, मीन्स ये जो रिकॉर्डिंग का जो वर्क है ये कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन कर सकता है, इसलिए ये जो वर्क है ये जूनियर स्टाफ ही कंप्लीट करता है। और अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। तो अकाउंटिंग वही पर्सन कर सकता है जिसे डेबिट क्रेडिट का नॉलेज हो, अकाउंटिंग के रूल्स पता हो, उसके टेक्निक्स पता हो, तो इसके लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसलिए ये काम जो है वो सीनियर स्टाफ कंप्लीट करता है। लास्ट, स्पेशल स्किल्स। ओके, बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, इट इज़ परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। तो यहाँ पर बुक कीपिंग के लिए कुछ स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए जूनियर स्टाफ ये काम इजीली कर सकता है। और अगर अकाउंटिंग की बात करें तो इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल टू एनालाइज, सो इट इज़ परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। यहाँ पर टेक्निक्स वगैरह का नॉलेज होने के लिए और सिस्टमेटिकली अकाउंट मेंटेन करने के लिए इसके रूल्स वगैरह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके टेक्निक्स पता होने चाहिए, यहाँ पर एक तरीके से स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जो काम है ये सीनियर स्टाफ ही कंप्लीट करता है, ओके। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, इस वीडियो में हमने एक तरीके से आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हो गई, ओके, फिर जो आपके छोटे छोटे टर्म्स है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, वो भी मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और लास्ट में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके, थैंक यू।